नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जो कि इंटरनेट से आपकी आपका नामोनिशान मिटा सकती है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है deceit.me। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेबसाइट होती है वो लेस सिक्योर होती है, जिसको आसानी से हैक किया जा सकता है। ऐसी वेबसाइट पर अगर आपका अकाउंट है और आपने वही पासवर्ड वहाँ यूज़ किया हुआ है जो फेसबुक पे यूज़ किया हुआ है, तो हैकर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है और आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। तो इसका सोल्यूशन लोगों ने पूछा, तो मैंने जल्दी से ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी सेटअप नहीं है, ऐसे ही बस हाथ में लेके रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन। तो मैंने इसका सोल्यूशन बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप deceit.me पर जाकर अपने लॉग इन कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट से या किसी भी ईमेल से जिससे आपने दूसरी साइट्स पर अकाउंट बनाए हैं। वहां पर वो बता देगा कि इंटरनेट पर कितनी वेबसाइट्स में आपके अकाउंट बने हुए हैं उस ईमेल आईडी से। फिर आप एक एक करके उन अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं और आप एक तरीके से अपनी जो पहचान है इंटरनेट से या आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसको हटा सकते हैं। इन केस के अगर कोई फुटप्रिंटिंग करना चाहे आपके बारे में, स्पाय, कोई जासूस आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहे इंटरनेट पर, या मैंने जैसे केस बताया सेलिब्रिटी वाला, ऐसा कुछ भी अगर करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। और आप या तो आप बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं फेसबुक पे या अलग अलग वेबसाइट्स पर, आप वहाँ सारे अकाउंट अपने डिलीट करना चाहते हैं, तो गाइज़ ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और एक सवाल ये भी उठता है कि आप थर्ड पार्टी किसी को यूज़ कर रहे हो, साइट को यूज़ कर रहे हो, क्या ये सेफ़ है? इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर लिए मैंने, काफ़ी ढूंढने के बाद ये पता चला कि ये वेबसाइट 100% सेफ़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मैं आपको इस्तेमाल करके इसलिए नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं अपनी ई मेल आई डी यूज़ करूँगा, फिर मेरे उसमें तरह तरह के अकाउंट नज़र आएंगे जो कि मैं नहीं चाहता हूँ आपको दिखाना, सेफ़ नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप चला सकती हो इसको, इसके लिए मेरे को ट्यूटोरियल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजीली जाइए वहाँ पर, अपने गूगल से लॉगिन कीजिए, ये दिखा देगी वेबसाइट कि आपको कहाँ कहाँ पर आपके जो अकाउंट बने हुए हैं इंटरनेट पर, आप बाकी हटा सकते हैं उनको एक एक करके और सिक्योर हो सकते हैं और ज़्यादा। और आपको पता तो रहे कि आप इतने दिनों में कहाँ कहाँ अकाउंट बना दिए आपने। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब बहुत पहले से मैं अपना एक ईमेल आईडी यूज़ करता आ रहा हूँ, तो वहाँ पर उस ईमेल आईडी से बहुत जगहों पर बहुत सारे अकाउंट हैं। तो ये एक फूड प्रिंटिंग के लिए टूल हो सकता है, सोशल इंजीनियरिंग के लिए टूल हो सकता है, और ये अपनी सिक्योरिटी के लिए भी टूल हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है गाइस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखिए। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर आपको नहीं देखना तो मत देखिए। और इस वीडियो बस ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं बता सकूं, क्योंकि अब मैं प्रॉब्लम बता देता हूं ना तो उसका सोल्यूशन बताना भी मेरा काम है। मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। अगर इस ऐसी वेबसाइट और कोई मिल जाए आपको, deceit जैसी कोई और ऐसी वेबसाइट मिल जाए, मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करता, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता, तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो गलत है जो गलत है। आप deceit पर जाइए, कोई और वेबसाइट ऐसी मिल जाए उस पर चले जाइए, कोई बात नहीं। मेरा हाथ दुख रहा है अभी वैसे। तो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।